हेलो एवरीवन, रियल वी विद अरविंद में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें ताकि सबसे पहले मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। हेलो एवरीवन, रियल वी विद अरविंद में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोहा की रेसिपी के बारे में बताने जा रहा हूँ, पोहा कैसे बनाया जाता है। मेरे लिए तो ये नया है। ये पोहे का जो भी रेसिपी का जो सामान है वो कटिंग करके रख लिया है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, आलू, ये कढ़ाई है जिसमें हम पोहा बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा घी डाल लिया, घी आवश्यकता अनुसार डाल लिया। आप बटर में भी बना सकते हैं, जैसा आपके पास अवेलेबल हो उस हिसाब से। ये पोहा तड़का रेसिपी है। घी को गर्म होने तक कढ़ाई में हिलाया, अब इसमें जो मूंगफली के दाने हैं इनको फ्राई किया ताकि पोहे के अंदर तड़के का स्वाद अच्छे से आए। ये देख रहे हैं आप, मूंगफली के दाने घी के साथ मिक्स होके अच्छे से फ्राई हो गए। अब इनको निकाल लिया एक बर्तन में। ये जीरा है, ये मस्टर्ड ऑयल में इसको तड़के के लिए तैयार कर रहे हैं। जीरा डाल दिया ये। जीरा, राई, ये सब डालने के बाद प्याज, हरी मिर्ची का तड़का तैयार किया जा रहा है। देख रहे हैं मिट्टा ढोल के अंदर ये तड़का तैयार हो रहा है। देख रहे हैं आप, तड़का तैयार हो रहा है। ये इसमें टमाटर भी डाल दिया ताकि स्वाद पोहे का अच्छा बने तड़के में। Thank you.
इसमें आलू भी डाल दिया। ये आलू पोहे में जान डाल देगा। ये आलू देख रहे हैं आप, ये हमारा तड़का तैयार हो रहा है पोहे के लिए। ये नमक, हल्दी, ये मैगी मसाला है। मैगी मसाला आपके पास अवेलेबल हो तो डालिए, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया, क्योंकि पोहा तड़का में मैगी मसाला और अच्छा स्वाद बनाने के लिए लाजवाब चीज़ है। अब इसको अच्छे से मिला लिया मसालों को। तो ढक के रख दीजिए आप धीमी आंच पर, ताकि ये आलू अच्छे से सिझ जाए और मसाला तैयार हो जाए। ये पोहा धोकर मैंने तैयार रख लिया है। अभी आलू हो गया तो चेक करना है। आप चेक कर लें कि ये चेक कर लें कि आलू हो गए सीज गए क्या। इसको दो दो तीन तीन मिनट के अंतराल में हिलाते रहिए ताकि ये मसाला सही से तैयार हो, जले नहीं। आज धीमी रखिए। दोबारा ढक के रख दिया है, आलू हुए नहीं थे, दोबारा धीमी आंच पे रख दिया है ताकि आलू सही से हो जाए। ये पोहा साफ करके धो के रखा हुआ है पोहे को, इसमें मसाला तैयार होने के बाद डाल दिया। मसाले में इसे मिक्स करें। मूंगफली के दाने जो घी में फ्राई थे उनको भी डाल दिया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, घी का स्वाद सही से आए। जो इस तरह से मिक्स करके तैयार कर दिया, अब इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया है। इस तरह से मिक्स कर लिया है इसको, थोड़ा सा ऊपर घी या बटर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए ताकि पोहा तड़का
बहुत शानदार बने, उसका स्वाद भी बहुत लाजवाब हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें ताकि सबसे पहले मेरे लेटेस्ट वीडियो आप पहुँचे। इसको ढक दिया पोहे को और धीमी आंच पे करने के बाद इसको बंद कर दिया। इस तरह से पोहा तड़का आपका तैयार हो गया। ये देखिए प्लेट में निकाल लिया इसको, अब आप इसको